तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहली अपडेट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के तरफ से आ रही है, जहां पे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 48,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे 16,000 किलोमीटर ऑफ रोड बनाने के लिए। दोस्तों अगली अपडेट नासिक से आ रही है, जहाँ पर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको ने नासिक मेट्रो नियो चलाने के लिए प्रपोजल दिया है। नासिक मेट्रो को, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज को 32 किलोमीटर में बनाया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। नासिक मेट्रो को 2 लाइन में अभी चलाया जाएगा, जिसमें लाइन 1 गंगापुर मुंबई नाका, जिसका लेंथ 10 किलोमीटर होगा, और लाइन 2 जो गंगापुर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक जाएगा, जिसको टोटल लेंथ 22 किलोमीटर में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2,100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन रेलवे की तरफ से आ रही है, जहां पे रेलवे कोच फैक्ट्री RCF जो कपूरथला में है, वो फर्स्ट प्रोटोटाइप दिखाए है इकोनॉमी क्लास LHB AC 3 टायर कोच का, और सक्सेसफुल उसका ट्रायल भी कर लिए है। तो बहुत जल्दी कई चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडियन रेलवेज़ के इकोनॉमी क्लास कोच में। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ, जिससे और लोगों तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो आगे देखना है। मिलते हैं दोस्तों फिर न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।